बीती रात प्रदेश में भारी बारिश होने के कारण कई क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। जिला मंडी की कोटली तहसील के विभिन्न क्षेत्रों में भूस्खलन होने से करीब 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। कोटली तहसीलदार जसपाल ने जानकारी दी है कि समूचे क्षेत्र में करीब 13 मकान और गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिसके चलते करीब 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की है कि ब्यास नदी और अन्य नदी नालों से उचित दूरी बनाए रखें ताकि जान माल का नुकसान ना हो। नमस्कार, मैं जसपाल तहसीलदार कोटली। जैसा कि सर्वविदित है कि गत रात्रि जो है वो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जो है वो भारी वर्षा हुई है और मेरे यहाँ भी जो है गत रात्रि खूब बारिश हुई है और इस बारिश से जो है वो कुल 25 लाख का जो नुकसान है वो होने की संभावना है। इसमें बारिश से जो है वो लैंडस्लाइड जो है, भूस्खलन जो है वो काफ़ी मात्रा में हुआ है। चाहे वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के घर हों, उनके आसपास लैंडस्लाइड हुआ है और सड़क के किनारे जो है वो काफ़ी मात्रा में जो है वो लैंडस्लाइड हुआ है। इस प्रकार लैंडस्लाइड से जो होने वाला जो नुकसान है, ऐसे हमारे 24 जो है लैंडस्लाइड इस तहसील के अंतर्गत हुए हैं और उनमें 15 लाख के करीब के नुकसान की जो है वो आंका गया है। और इसी तरह से जो है वो इसी लैंडस्लाइड से जो है वो इस तहसील के विभिन्न क्षेत्रों में जो है वो करीबन 13 जो मकान है, चाहे वो गौशाला है, चाहे वो किसी का अपना रहने वाला मकान है, ऐसे 13 मकान ऐसे हैं जिनको जो है वो आंशिक रूप से या थोड़ी बहुत क्षति जो है वो पहुंची है और कुल जो है वो 7 लाख का नुकसान होने की संभावना है। साथ ही ये जो ब्यास नदी का जो हमारा किनारा है, इसमें साथ लगने वाले इलाके के लोगों को जो है वो सचेत कर दिया हुआ है, सूचित कर दिया हुआ है कि वो ब्यास नदी के किनारे ना जाएं ताकि बाढ़ आदि की स्थिति में जो है वो कोई और नुकसान हो। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से फिर गुजारिश करूंगा कि जो है वो ब्यास नदी के किनारे जो है वो लोग ना जाएं और ऐसी स्थिति में जो है वो आप अपने घरों में रहें। धन्यवाद। जय हिंद।